कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में एक साया ले रहा है लड़कियों की जान। तो कॉलेज का एक स्टूडेंट और उसके दोस्त इस साये की तलाश करने का फैसला करते हैं। लेकिन इन कत्ल के पीछे कौन सा राज छुपा है और क्या ये सारे दोस्त मिलकर उस साये को पकड़ पाएंगे, यही देखेंगे हम आज की कहानी में। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हॉरर बॉक्स हिंदी में। ऐसे ही हॉरर सस्पेंस थ्रिलर मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं। वो एक अंधेरे कमरे में बंद थी और बहुत ज्यादा डरी हुई थी, और किसी से बचने के लिए वो जोर जोर से चिल्ला रही थी कि मुझे बचाओ। लेकिन तभी वहां पर कोई आ जाता है और उस लड़की के सर पर बहुत ही बेरहमी से बार बार वार करता है और आखिरकार उस लड़की को मार ही डालता है। और दोस्तों, ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कोयंबटूर के वेलेंगेरी हिल्स के जंगल में AKR नाम का एक इंजीनियरिंग का कॉलेज है। अब उस कॉलेज में लल्लू, विजय और अरुल नाम के तीन दोस्त एडमिशन लेते हैं और उन्हें बॉयज हॉस्टल में एक ही रूम भी मिल जाती है। तो दोस्तों, आज होता है इन लोगों का कॉलेज का पहला दिन और एक प्रोफेसर सभी स्टूडेंट को बता रहे थे कि हमारा कॉलेज जंगल के बीचों बीच है, इसीलिए 5 बजने के बाद कोई भी कॉलेज से बाहर नहीं जाएगा और स्पेशली हॉस्टल में रहने वाले सभी स्टूडेंट को खास तौर पर अपना ख्याल रखना होगा। दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं कि इस कॉलेज में तीन और लड़कियों ने भी एडमिशन लिया था। उनके नाम है श्रुति, स्वाति और श्वेता। तभी वहां पर हम देखते हैं कि हॉस्टल की वार्डन सभी लड़कियों को नीचे बुलाती है और उन्हें स्ट्रिक्टली वार्निंग देते हुए कहती है कि इस हॉस्टल की वार्डन मैं हूँ, तुम सभी लड़कियों को मेरे रूल्स मानने ही होंगे। शाम के 6 बजने के बाद हॉस्टल का गेट बंद कर दिया जाएगा और रात को कोई भी लड़की 9 बजने के बाद अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। और एक बात, रात के वक्त बिल्डिंग के ऊपर कोई भी नहीं जाएगा। अब दोस्तों, इस तरह से वो वार्डन फर्स्ट ईयर की गर्ल्स को ये सारे रूल्स रेगुलेशन बता रही थी। अब दोस्तों, उसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन हम देखते हैं कि स्वाति अपने कमरे में कुछ ड्रॉ कर रही थी। तभी स्वाति देखती है कि उनके कमरे के बाहर कोई है, क्योंकि उसके दरवाजे के नीचे किसी की परछाई नजर आ रही थी। तो अब स्वाति ये बात श्रुति और श्वेता को बताती है। अब स्वाति का कहना मानकर वो तीनों लड़कियां दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर झांकने लगती है, लेकिन बाहर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। लेकिन दोस्तों, जब कुछ देर बीत जाती है और स्वाति अकेले ही बाहर आकर इधर उधर झांक रही थी, तभी उसे वहां पर अंधेरे में किसी का साया दिखाई देता है और वहां पर कोई अजीब सा इंसान खड़ा था। वो तुरंत ही स्वाति की तरफ दौड़ने लगता है और ये देखकर स्वाति बहुत ज्यादा घबरा जाती है और दरवाजा तुरंत ही बंद कर देती है। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे कॉलेज के सुहाने दिन बीतने लगते हैं और यहाँ पर अरुल और श्रुति के बीच दोस्ती हो जाती है। दोस्तों, धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में कब बदल जाती है ये उन दोनों को पता ही नहीं चलता और अरुल और श्रुति एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। वो एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा खुश थे। अब दोस्तों, ऐसे ही एक रात स्वाति छत पर अपने कपड़े धो रही थी और वहां पर स्वाति के साथ श्रुति भी मौजूद थी। लेकिन तभी श्रुति को अरुल का कॉल आ जाता है, इसलिए वो उससे बातें करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। और दोस्तों, अब यहां पर स्वाति अकेले ही कपड़े धो रही थी। कपड़े धोने के बाद जब वो अपने कपड़ों को सुखाने के लिए जाती है, लेकिन वहां पर थोड़ी सी भी जगह नहीं थी, मतलब कि काफी सारी लड़कियों ने ऑलरेडी वहां पर कपड़े धोकर सुखाने के लिए डाल दिए थे। इसलिए अब स्वाति अपने कपड़े लेकर डी ब्लॉक के ऊपर चली जाती है और वहां पर जब स्वाति अपने कपड़े सुखाने के लिए डाल रही थी, तभी उसे वहां पर कोई अजीब सा इंसान दिखाई देता है। वो दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावना और काला था। तभी वो इंसान स्वाति पर हमला कर देता है और उसे जान से मार डालता है। अब दोस्तों, उसके अगले दिन हम देखते हैं स्वाति की लाश कॉलेज के पीछे से मिलती है। यहाँ हम देखते हैं कि स्वाति के चेहरे पर एक खतरनाक पंजे जैसा निशान बना हुआ था। अब स्वाति की हालत देखकर पुलिस को ये लगता है कि शायद स्वाति को किसी जंगली जानवर ने मारा होगा। और यहाँ पर स्वाति की मौत को देखकर पूरा कॉलेज बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। उसके बाद दो पुलिस वालों को प्रिंसिपल अपने केबिन में बुलाता है और उनसे कहता है कि सर, अगर ये बात कॉलेज के बाहर गई तो हमारे कॉलेज की बहुत ही बदनामी होगी और यहाँ पर पढ़ने के लिए कोई भी नहीं आएगा, इसलिए आप इस बात को यहीं पर दबा दीजिए।
और ऐसा कहते हुए वो प्रिंसिपल उन पुलिस वालों को कुछ पैसे दे देता है। दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं कि श्रुति अरुल के पास आती है और उसे कहती है कि अगर उस रात में स्वाति को अकेला नहीं छोड़ती तो आज स्वाति हमारे साथ होती, ये सब कुछ मेरे ही वजह से हो गया। और ऐसा कहते हुए बेचारी श्रुति बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। लेकिन अरुल उसे समझाते हुए कहता है इस हादसे में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, उसे किसी जंगली जानवर ने मार दिया, तो इसमें तुम क्या कर सकती थी, अब तुम ऐसा सोचना बंद करो और शांत हो जाओ। अब दोस्तों यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और इस घटना को 6 महीने बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि अरुल और उसके दोस्त मिलकर बास्केटबॉल खेल रहे थे, तभी उन लोगों के पास एक सीनियर लड़की आती है जिसका नाम है माया। माया अरुल से पूछती है कि 6 महीने पहले मरी हुई स्वाति आप लोगों की ही दोस्त है ना, अभी अभी मैंने स्वाति ने ड्रॉ की हुई एक बैकग्राउंड पिक्चर को कॉलेज के मैगजीन में देखा, आप लोग प्लीज वो बैकग्राउंड पिक्चर लेकर मुझसे शाम को मिलिए, मुझे उस मौत के बारे में कुछ जरूरी बातें करनी है। अब दोस्तों उसके बाद थोड़ी शाम हो जाने पर अरुल और उसका दोस्त माया से मिलने के लिए जाते हैं। तब माया उन्हें बताती है कि ये देखो मेरी फ्रेंड पूर्णिमा ने भी ऐसे ही पिक्चर ड्रॉ की है। दोस्तों स्वाति और पूर्णिमा ने एक ही पिक्चर ड्रॉ की हुई थी जिसमें हमें किसी इंसान की परछाई दिख रही थी, और जिसने भी इस ड्रॉइंग को बनाया है वो अब इस दुनिया में नहीं है, यानी कि हम दोनों के दोस्त। पहले मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि मेरे दोस्त को किसी जानवर ने मारा है, लेकिन अब स्वाति की मौत को देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता। इन दोनों ड्राइंग का सेम होना यानी कि इस बात के पीछे कोई ना कोई राज जरूर छुपा है। लेकिन तभी ये सब कुछ बातें सुनकर अरुल का दोस्त विजय थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वो माया से कहता है कि हम अभी अभी हमारे दोस्त की मौत के गम से बाहर आए हैं और आप हमें फिर से वही सब कुछ दिखा रहे हो। ऐसा कहते हुए विजय अरुल को वहां से लेकर चला जाता है। अब दोस्तों उसी रात को श्रुति का बर्थडे था, इसीलिए अरुल और उसके दोस्त श्रुति का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गर्ल्स हॉस्टल के पीछे चले जाते हैं और यहाँ पर अरुल श्रुति को सरप्राइजली विश करता है। ये सब कुछ देखकर श्रुति बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन दोस्तों तभी उसी वक्त अरुल और उसके दोस्त उस बिल्डिंग के छत पर किसी काले इंसान को देखते हैं और उस इंसान को देखने के बाद अरुल के दोस्त बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। उसके बाद वो अरुल को वहां से ले जाते हैं। अब दोस्तों अगली सुबह होना क्या था, ये सभी लोग मिलकर रात को गर्ल्स हॉस्टल के पीछे गए थे, ये बात प्रिंसिपल को पता चल जाती है और प्रिंसिपल उन्हें अपने केबिन में बुलाकर बहुत ही बुरी तरीके से डांटने लगता है। तब अरुण प्रिंसिपल सर को बताता है कि उन्होंने हॉस्टल के छत पर किसी काले इंसान को देखा, लेकिन प्रिंसिपल उनकी बातों पर जरा सा भी विश्वास नहीं करता और उन्हें कहता है कि अपनी गलती छुपाने के लिए तुम लोग झूठ बोल रहे हो। उसके बाद प्रिंसिपल उन लोगों को 1 हफ्ते के लिए कॉलेज से सस्पेंड कर देते हैं। अब यहाँ पर प्रिंसिपल को थोड़ा गड़बड़ाया हुआ देखकर अरुल अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैनेजमेंट और प्रिंसिपल सर मिलकर हम लोगों से जरूर कुछ छुपा रहे हैं, इसीलिए अब ये सभी दोस्त मिलकर खुद ही माया से मुलाकात करते हैं और उनके साथ रात को जो भी घटना हुई वो उसे बताते हैं। अरुल कहता है कि अब तक जिन जिन लड़कियों की मौत हो गई है उन्हें किसी जानवर ने नहीं बल्कि एक इंसान ने मारा है, लेकिन अब हम उस इंसान का पता कैसे लगाएंगे। इस बात पर माया कहती है कि हमें इतना पता है कि उस इंसान की वजह से हमारे 2 फ्रेंड इस दुनिया में नहीं है और उन दोनों ने सेम परछाई वाले बैकग्राउंड को बनाया था। पता नहीं इस कॉलेज में इससे पहले कितनी सारी लड़कियों की मौत हो गई है और हमारा कॉलेज ही हमसे ये सब बातें छुपा रहा है, इसीलिए हमें पिछली जितनी भी मौतें हुई है उन सब के बारे में पता लगाना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर इस कॉलेज में एडमिशन लेने के कुछ साल बाद किसी लड़की ने इस कॉलेज को बीच में ही छोड़ दिया हो तो हमें उस लड़की के बारे में पता लगाना होगा, क्योंकि उसने ऐसा क्यों किया, ये रीजन हमें पता चल गया तो खूनी का पता भी चल जाएगा। उसके बाद दोस्तों दोपहर को अरुल और उसके दोस्त मिलकर प्रिंसिपल के केबिन में चले जाते हैं और प्रिंसिपल लंच करने के लिए अपने केबिन से बाहर गए हुए थे। अब प्रिंसिपल के कमरे के अंदर छानबीन करते हुए उन्हें वहां पर एक कमरा दिखाई देता है। उस कमरे में थोड़ा ढूंढने पर उन्हें वहां पर एक रजिस्टर मिलता है, लेकिन तभी उसी वक्त इस कॉलेज का ओनर उस कॉलेज में आ जाता है और प्रिंसिपल उसे लेकर अपने केबिन में आ जाता है। प्रिंसिपल कॉलेज के ओनर को बताता है कि सर फिर से यहाँ पर एक और लड़की की मौत हो गई, लेकिन वो ऑनर कहता है कि इस कॉलेज में जो भी घटनाएं हो रही हो उन्हें तुम और थोड़े दिन दबा कर रखो, क्योंकि इस कॉलेज को हमने जंगल के बीचों बीच बनाया है बिना यहाँ की प्रॉपर्टी खरीदी हुए। कुछ महीने बाद हमारी गवर्नमेंट जीत कर आएगी
तो उसके बाद मैं यहाँ की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर कर लूंगा। लेकिन तब तक इस कॉलेज में जितनी भी घटनाएं होती हो उन्हें इस कॉलेज के बाहर मत जाने देना, चाहे उसके लिए जितने भी पैसे खर्च हो जाए। अब दोस्तों उन लोगों की सारी बातें अंदर छुपे हुए अरुल और उसके दोस्त सुन लेते हैं, और उसके बाद अरुल उस रजिस्टर को लेकर कॉलेज के बाहर आता है। उसके बाद माया उस रजिस्टर को चेक करती है और उसे उस रजिस्टर के अंदर एक ऐसी लड़की के बारे में पता चलता है जिसने बीच में ही कॉलेज को छोड़ दिया था। उस लड़की का फादर इस कॉलेज में वॉचमैन का काम करता था। उसके बाद अरुल उस लड़की का एड्रेस पता करवा लेता है और वो और उसके दोस्त मिलकर उस लड़की के गांव चले जाते हैं। उस एड्रेस पर पहुंचने पर उन लोगों को एक आदमी मिलता है और ये लोग उस आदमी से कहते हैं कि हम लोग AKR कॉलेज से आए हैं। अब जैसे वो बंदा इस कॉलेज का नाम सुनता है वो अरुण और उसके दोस्तों को मारते हुए घर से बाहर निकालने लगता है और वो अपनी लड़की के साथ क्या हुआ ये बताने से मना करने लगता है। लेकिन तभी अरुल उस घर में एक पागल लड़की को देख लेता है जिसे उस आदमी ने बांध कर रखा हुआ था। इसलिए अब अरुल और उसके दोस्त उस आदमी से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगते हैं और कॉलेज में हो रहे हादसों के बारे में बताते हैं। इसलिए वो आदमी उन्हें सारी बातें बताने के लिए मान जाता है और हमें पता चलता है कि कुछ साल पहले ये लिंगम इस कॉलेज में वॉचमैन का काम करता था और उसकी लड़की इसी कॉलेज में पढ़ती थी। उसकी बेटी का नाम है मणिमेघला। लेकिन एक दिन अचानक लिंगम की बेटी लापता हो गई। लिंगम मणिमेघला के सारे दोस्तों को उसके बारे में पूछता है लेकिन किसी को भी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसीलिए दूसरे दिन लिंगम प्रिंसिपल के पास जाता है और वो उनसे कहता है कि सर मेरी बेटी कल से घर वापस नहीं आई है। प्रिंसिपल कहते हैं कि अरे लिंगम तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी बेटी अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने गई होगी, एक दो दिन में आ जाएगी। लेकिन तभी दोस्तों कॉलेज के सभी लोगों को ये बात पता चलती है कि मणिमेघला कॉलेज के पीछे बहुत ही बुरी हालत में पड़ी है। अब कॉलेज के सभी लोगों को ये लगता है कि मणिमेघला मर चुकी है, लेकिन दरअसल वो बेहोशी की हालत में थी। इसीलिए लिंगम अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर चला जाता है और उसके बाद जब मणिमेघला को होश आता है तो वो अपने पिता को बताती है कि उस रात में जब पानी पीने के लिए कमरे से बाहर आई लेकिन तभी अचानक एक काला सा बंदा मेरे सामने आ गया और वो मुझे किडनैप करके किसी जगह पर लेकर गया। जब मुझे होश आया तब मैंने देखा वो काला इंसान किसी लड़की को बार बार पत्थर से मार रहा था। उसके बाद उसने मेरे चेहरे पर किसी धारदार चीज ने वार किया ताकि देखने वाले लोगों को ऐसा लगे कि मेरे चेहरे पर किसी जानवर ने हमला किया हो। इसीलिए जब उसने मेरे सर पर वार किया था तो मैंने वहां पर मरने का नाटक किया और मैं वहां से बचकर भाग रही थी, लेकिन मैं रास्ते में ही बेहोश हो गई। उसके बाद अब लिंगम अपनी बेटी के साथ हुई ये घटना को प्रिंसिपल को बताता है, लेकिन ये प्रिंसिपल तो मणिमेघला की बातों पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं करता। उल्टा वो उसके कैरेक्टर पर ही सवाल उठाने लगता है कि शायद तुम किसी लड़की के साथ जंगल में गई होगी और तुम्हारे बीच कुछ हुआ होगा वगैरह वगैरह। अब इस तरह से बेचारी मणिमेघला के ऊपर कोई भी विश्वास नहीं करता और इस बात का उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर होता है और वो पागल ही हो जाती है। अब दोस्तों इस तरह से लिंगम अरुल और उसके दोस्तों को ये सारी बातें बताता है। उसके बाद अरुल और ज्यादा छानबीन करता है तो उसे पता चलता है कि अब तक जो 8 लड़कियां मरी थी वो सभी भरतनाट्यम करती थी, और हाल ही में जो अरुल की दोस्त मारी गई थी वो भी एक भरतनाट्यम डांसर ही थी। उसके बाद अरुल और उसके दोस्त ये सारी बातें माया को बताते हैं और अब वो सब मिलकर सोचने लगते हैं कि वो इंसान कॉलेज के अंदर किस रास्ते से आ रहा है। और इसी बात को जानने के लिए ये सारे दोस्त मिलकर गर्ल हॉस्टल की बड़ी सी दीवार कूदकर जंगल के अंदर चले जाते हैं। इसी बीच अरुल का एक दोस्त वहां के फोटोज ले रहा था और कुछ देर हो जाने के बाद ये सभी लोग जंगल के बहुत अंदर आ जाते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। अब रात भी होने वाली थी इसलिए ये सारे लोग वापस कॉलेज में आ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं माया को। माया उस ड्राइंग को देखते हुए अपने दोस्त को याद कर रही थी और सोच रही थी कि आखिरकार वो इंसान कौन हो सकता है। यहाँ दूसरी तरफ हम अरुल को देखते हैं जो कि श्रुति से फोन पर बात कर रहा था। तभी अरुल को टेबल पर कुछ फोटोज पड़े हुए दिखाई देते हैं जो आज उसके दोस्त ने खींचे थे। अरुल की नजर उन फोटोज पर पड़ती है और वो देखता है कि पेड़ों के पीछे एक आदमी छुपा हुआ है। आज जब वो सभी दोस्त मिलकर जंगल में गए थे तब वो इंसान इन लोगों को वहां पर छुपकर देख रहा था। अब यही बात बताने के लिए अरुल माया को कॉल करता है, लेकिन हम यहाँ माया को देखते हैं जो कि उसी दरवाजे के पास आ गई थी
जहाँ की उन दो मरी हुई लड़कियों ने ड्राइंग बनाई थी। अब उस गेट के पास जाने पर माया को वहाँ पर एक काला इंसान नजर आता है और वो इंसान तुरंत ही माया के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। और जब यहाँ पर अरुल खिड़की से बाहर देखता है तो डी ब्लॉक के ऊपर काले इंसान ने माया को पकड़ लिया था और वो काला इंसान ऊपर से माया को नीचे फेंक देता है और वहीं पर बेचारी माया की मौत हो जाती है। और ये सब कुछ घटना अरुल के सामने ही होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। अब दूसरे दिन कॉलेज में पुलिस और एम्बुलेंस पहुंच जाती है और माया की बॉडी को ले जाते हैं। इस बार पुलिस इस केस को ये कहकर बंद कर देती है कि ये एक आत्महत्या है। उसके बाद अरुल श्रुति से जाकर मिलता है और उसे बताता है कि तुम जरा ये पता करो कि गर्ल्स हॉस्टल में किसी और लड़की ने ऐसी ड्राइंग बनाई तो नहीं है ना। और श्रुति उस काम पर लग जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि अरुल और उसके दोस्त कैंटीन वाले के पास चले जाते हैं। ये कैंटीन वाला इस कॉलेज में बहुत सालों से रह रहा था। अरुल उससे पूछता है कि यहाँ पर कुछ साल पहले कुछ अजीब घटना हुई थी क्या। तो वो आदमी बहुत ज्यादा सोचता है और उसे एक घटना याद आती है। वो बताता है कि हाँ, जब कॉलेज में डी ब्लॉक का कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो वहाँ पर बहुत सारे मजदूर आए थे। तब कॉलेज की एक लड़की अपने बाथरूम में नहा रही थी, लेकिन उन मजदूरों में से एक लड़का उस लड़की को खिड़की से झांक रहा था। तब वो लड़की उस बंदे को देख लेती है और वो चीखने चिल्लाने लगती है। अब उसकी आवाज सुनकर कॉलेज के सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और उस मजदूर को बहुत ज्यादा मारने पीटने लगते हैं। वो लोग उसके प्राइवेट पार्ट को भी जख्मी कर देते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। यहाँ पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस लड़के का नाम है काली और इसके गांव का नाम है मदन गोवली। अब काली का नाम सुनते ही इंस्पेक्टर शॉक हो जाता है और वो इंस्पेक्टर कैंटीन वाले और कॉलेज के लड़कों को बताता है कि ये काली नाम का बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। 10 साल पहले मैं इसी मदन गोवली गाँव में नौकरी करता था। उस वक्त मैंने इस काली को देखा था, तब ये 15 साल का बच्चा था। वो अपने दोस्तों को मार के उनके बालों को एक मटके में छुपा रहा था। जब काली के पिताजी ये सब कुछ देखते हैं, तो उससे पूछते हैं कि बेटा ये सब कुछ तुम क्या कर रहे हो। तो काली उन्हें अपने दोस्तों के बाल दिखाता है और जंगल में ले जाता है। वहां पर उसके पिताजी देखते हैं कि काली ने सच में उसके दोस्तों को मार डाला था। ये सब कुछ भयानक दृश्य देखकर काली के पिताजी समझ जाते हैं कि उनके बेटे की दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसके बाद काली के पिता अपने बेटे की जान बचाने के लिए उन दो लड़कों की लाशों को वहीं पर दफना देते हैं और ऐसा करते हुए उन्हें एक गांव वाला देख लेता है। वो गांव वाला जाकर ये खबर सभी गांव वालों को बता देता है। उसके बाद गांव वाले काली के पिता को पकड़ लेते हैं। इसलिए अब काली के पिता अपने बेटे की जान बचाने के लिए सारा इल्जाम खुद पर ही ले लेते हैं और गांव वालों को बताते हैं कि मैंने ही उन दो लड़कों को मारा है। अब ये बात जानने के बाद गांव वाले और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और काली के पिता को मार मार कर वहीं पर मार डालते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उस गांव में 3 लड़कियां घूमने के लिए आई थी, लेकिन काली उन 3 लड़कियों को किडनैप करके उनमें से 2 लड़कियों को मार देता है। और वो तीसरी लड़की को मारने ही वाला था, लेकिन किसी तरह से वो लड़की उससे बचकर वहां से भाग जाती है। उसके बाद ये सब बातें पुलिस को पता चलती है और वो काली को अरेस्ट कर लेते हैं। इस तरह से वो इंस्पेक्टर कैंटीन वाले और कॉलेज वाले लोगों को ये सब बातें बता रहा था कि काली उस टाइम भी बच गया था और इस बार भी बचकर भाग जाएगा, आप लोग थोड़ा संभल कर रहिए। और इस तरह से वो कैंटीन वाला बंदा अरुल और उसके दोस्तों को ये सारी कहानी बताता है। अब यहाँ पर श्रुति को कॉलेज में अनीशा नाम की लड़की के बारे में पता चलता है जो की एक भरतनाट्यम डांसर है। और अब श्रुति ये बात तुरंत ही कॉल करके अरुल को बताती है। अरुल तुरंत ही उस लड़की के पास पहुंच जाता है और उसे संभल कर रहने के लिए कहता है, क्योंकि उस साइको किलर का अगला टारगेट तुम ही हो, इसीलिए हम आज रात तुम्हारे ही कमरे में रहेंगे। उसके बाद अरुल अपने सीनियर दोस्तों से मदद मांगता है और रात को ये सब लोग मिलकर अनीशा के रूम में चले जाते हैं। तभी इन लोगों को पता चलता है कि अनीशा के बाल ज्यादा लंबे नहीं है, वो अपने बालों में विग लगाती थी। ये देखकर अरुल को एक बात याद आती है कि काली ने बचपन में लोगों के बाल काटे थे। अरुल अनीशा से पूछता है कि क्या उस काले इंसान को तुमने देखा है, और देखा है तो क्या उसने तुम पर हमला किया था। अनीशा बताती है कि हाँ, मैंने उसे एक रात देखा था, लेकिन उसने मुझ पर हमला नहीं किया, लेकिन जब मैं उसकी तरफ देख रही थी तब वो श्रुति के कमरे में देख रहा था और उस वक्त श्रुति अपने बालों को संवार रही थी। ये बात सुनकर अरुल को सब कुछ समझ में आ जाता है कि वो साइको किलर भरतनाट्यम डांसर को नहीं
बल्कि जिन लड़कियों के बाल लंबे हैं उन लड़कियों को मार रहा है। इसलिए अब अरुण श्रुति की जान बचाने के लिए उस रूम से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर से वार्डन ने उस रूम का दरवाजा बंद कर दिया था। वार्डन अरुण से कहती है कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत, मेरे होते हुए तुम गर्ल्स हॉस्टल में आ गए और तुम एक लड़की के रूम में भी घुस गए। रुको, कल मैं तुम्हारे प्रिंसिपल के पास ही कंप्लेंट करूंगी। लेकिन यहाँ पर अरुण वार्डन को समझाने लगता है कि मैडम प्लीज दरवाजा खोलिए, क्योंकि श्रुति की जान खतरे में है। लेकिन कुछ देर तक वार्डन दरवाजा नहीं खोलती, लेकिन जब वार्डन दरवाजा खोलती है तो सामने का नजारा देखकर वार्डन के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस काले इंसान ने श्रुति को पकड़ लिया था और वो श्रुति को अपनी जगह पर ले जा रहा था। उसके बाद अरुण और उसके दोस्त श्रुति का पीछा करते हैं और ये लोग मिलकर जंगल में श्रुति को ढूंढ रहे थे। एक जगह पर उन्हें श्रुति एक बंदी हुई हालत में मिलती है और वो श्रुति को छुड़ा कर हॉस्टल में वापस लेकर आते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद काली अपने शरीर पर काला रंग लगाकर फिर से उस हॉस्टल में आ जाता है। काली को देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन अरुण और उसके दोस्त मिलकर काली से फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन काली के ऊपर किसी भी वार का कोई भी असर नहीं हो रहा था। इसीलिए अब हॉस्टल की सारी लड़कियां मिलकर हिम्मत करती है और सभी लड़कियां मिलकर काली पर हमला कर देती है। वो उसे इतना मारती है कि आखिरकार काली वहीं पर मर जाता है। और दोस्तों इस तरह से ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। और दोस्तों ऐसे ही सस्पेंस थ्रिलर मूवी देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।